बात है कि बचपन में 5-6 साल के थे श्री माधवाचार्य जी और खेल खेल खेलन कूदन करते थे, खेल कूद करते थे, कभी पढ़ाई नहीं करते थे स्कूल में। तो इनके जो टीचर है वो बोलते हैं इनको बुला के, डंडी लेके बुला, डंडा लेके छड़ी लेके उनको बुलाते हैं, तुम हर समय बस भाग दौड़ करते रहते हो, खेल कूद करते रहते हो, कभी कुछ पढ़ाई करते हो कि नहीं, कभी कुछ पढ़े हो कि नहीं। तो इन्होंने बोले कि आप जो पूछना है मुझे पूछ सकते हो। तो इन्होंने फिर इस प्रकार का, जब वो प्रश्न पूछता है जो टीचर प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने का ऐसा जो टीचर ने पढ़ाया है वो भी बता दिया पूरा का पूरा एज इट इज, और जो नहीं पढ़ाया उसको भी बता दिया, और जो टीचर नहीं जानता था उसको भी बता दिया, तीन चीज एक साथ बता दिया। तो टीचर को देखे और पूरा उनके माथा पूरा गुम हो गया, इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार चमत्कार लीला किया करते थे। एक समय की बात है कि इन्होंने हटात करके एक छड़ी लेके आए, एक छड़ी लेके आके बोलते हैं कि पिताजी पिताजी इनका नाम था वासुदेव। तो ये बचपन में बोल रहे हैं कि पिताजी पिताजी आज मुझे, मैं क्या करूंगा भविष्य में, ये मायावाद को खंडन करके वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक प्रचार करूंगा। वो बोले कि तुम वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करोगे? वो हंसने लगे, बोले छोटे से बच्चे, बोले हाँ मैं प्रचार करूंगा। तब उनके पिताजी ने बोले कि किस प्रकार, देखो तुम वैष्णव, तुम्हारा वैष्णव संप्रदाय का मायावाद का खंडन करके वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करना, ये लकड़ी से पेड़ उगना जैसा है, लकड़ी से कोई पेड़ उगता नहीं। तो बोलते हैं जिस प्रकार लकड़ी से बहुत, जैसे पेड़ नहीं उगता, पेड़ किससे उगता, बीज से उगता, लकड़ी से सूखे लकड़ी से थोड़ी ना छड़ी से उगेगा, छड़ी को बोते हुए तो उसमें पेड़ थोड़ी ना होगा। तो बोलते हैं उसी प्रकार का व्यर्थ है। तो वो बोलते हैं देखो मैं अगर इससे लकड़ी से अगर पेड़ उगा सकता हूँ तो आप क्या मान जाओगे? तो बोलते हैं हाँ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि होगा नहीं, इनको पता है नारायण भट्ट को। तो इनके जो पुत्र थे छोटे से थे वासुदेव भट्ट, ये बोल रहे हैं हाँ कर सकता हूँ, भगवान कर अगर भगवत अगर कृपा हुआ तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हो को नहीं और नहीं को है करते, वही तो ठाकुर जी है, भगवत शक्ति वही तो है, भगवत शक्ति अगर हुआ तो ये क्यों नहीं हो सकता कि लकड़ी में भी क्या पेड़ और पेड़ में भी ठाकुर जी, पेड़ को जैसे उदाहरण देते हैं ना कि ठाकुर जी सुई को भी, सुई के जो जो नोच होता है उसमें जो छेद होता है उसमें भी हाथी को घुसा सकते हैं, इतना बड़ा ठाकुर जी का, और उससे भी हाथी को फिर से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का ठाकुर जी का महिमा है। तो वहां पे फिर उन्होंने वो पेड़ को ऐसे इतना जोर से वहां पे बो दिया और वहां से बड़े बड़े पेड़ बट वृक्ष वहां पे आ गए। तो ये देखते ही पता चल गया था कि ये बचपन में ये इन्होंने ऐसे इस प्रकार का चमत्कार चमत्कार लीला दिखाया था। तो देखते ही उनके पिता बड़े आश्चर्य हो गए और जान गए थे ये कोई साधारण नहीं है, ये जरूर निश्चित रूप में एक महापुरुष है और ये जरूर निश्चित रूप में संन्यास लेके चले जाएंगे। इसलिए उनको क्या करेंगे, अब संन्यास लेके जा रहे चले जाएंगे सोच लिया। तो इन्होंने इनके शादी करने के लिए कुछ व्यवस्था की और इनके माताजी भी, एक ऐसे उदाहरण घटना घटती है कि जिस समय इन्होंने छोटे से बच्चे थे तो खेलकूद किया करते थे हर समय, तो एक कटोरा में दूध रखा हुआ था। तो उनके माताजी बोल के, उनके माँ बोल के चले गए कि देखो ये दूध जो है बिल्ली आके खा ना जाए, तुम इसको रखवाली करना, देखते रहना। अब माता तो ऐसे बोल के चले गए, वो यहाँ पे बैठे हैं। अब इतने में उनके दोस्त लोग आके बुलाते हैं, बोले चलो चलो खेलेंगे, चलो खेलेंगे। अब इनको खेलने जा रहे, तो वहां से उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े एक चट्टान एक पत्थर को एक हाथ में लेके वहां पे कटोरे के ऊपर ढक दिया। फिर जब आते हैं, फिर जब खेल कूद करके आते हैं, उनके माता जी देखते कटोरे के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। तो छोटे से बालक इतना बड़ा पत्थर उठा नहीं सकते, वो पूछते कैसे रखो, बोले मैं अपने खुद रख लिया। तो इस प्रकार का बचपन से वो चमत्कार लीला करते रहते थे। तो एक समय के बाद इन्होंने अपने माता पिता से बिना पूछे ही संन्यास ले लिया। 12 वर्ष के आयु में ही इन्होंने गृह त्याग करके संन्यास ले लिया। तो जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य के मत है, शंकराचार्य ने भी जिस प्रकार का संन्यास दिया था उसमें हमारे गुरुदेव टीका में बता रहे थे कि शंकराचार्य ने क्या किया, उन्होंने 8 साल की उम्र में ये संन्यास लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उनके माता पिता रोक रहे थे। तो एक समय उन्होंने ही ऐसे एक लीला रचना किया। तो शंकराचार्य ने
नदी में स्नान करने के लिए गए अपने माता के साथ। तो स्नान करने के जब गए तो उस समय एक बहुत बड़े मगरमच्छ आके उनको पकड़ लिया, बहुत बड़े मगरमच्छ आके उनको पकड़ लिया। और कोई छुड़ाने जाने रहे, मगरमच्छ को कौन छुड़ाने जाएगा, वो पकड़ लिया। तो उसी समय पे उनके माता बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं। तो शंकराचार्य बोलते हैं, माता माता मैं अगर संन्यास ले जाऊंगा ना, आप अगर ऐसा बोल दोगे तो मैं बच जाऊंगा। तो उन्होंने बोल देते हैं, हाँ तुम्हारे तुम्हारे अगर प्राण बचने के लिए तुमको संन्यास लेना पड़े तो ले जाओ। तो वो मगरमच्छ छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पे कोई कोई शंकराचार्य के जो प्रचार प्रवर्तक है, शंकराचार्य मायावाद प्रवर्तक है, वो लोग कुछ आते हैं, आते के इस प्रकार का विचार रख देते हैं कि माता पिता के संन्यास से पहले अनुमति लेना चाहिए, माता पिता से अनुमति लेना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने माता पिता से अनुमति नहीं लिया, लेकिन जो माता पिता से अनुमति लेना चाहिए, अगर बोल रहे हैं कि माता पिता अनुमति दे तो वो लेना चाहिए, लेकिन माता पिता अनुमति नहीं दे फिर भी संन्यास लेना चाहिए। तो इस प्रकार का जो शंकराचार्य मत में है कि वो अपने माता पिता अगर अनुमति नहीं देंगे तो संन्यास नहीं लेंगे, गृहस्थ ऐसे बनेंगे। तो इसको ही खंडन किया पहले से 12 वर्ष के आयु में ही इन्होंने इस विचारधारा को, शंकराचार्य के विचार को खंडन कर दिया। कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं कि 5 वर्ष के आयु में ही वन में जाके भजन कर लेना चाहिए। तो वहां पर प्रहलाद महाराज तो ये नहीं बता रहे कि माता पिता को पूछ के भजन करने के लिए, बात ये बात नहीं बता रहे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं को महाराज आचरित रागे, बाल अवस्था में ही भजन कर लेना चाहिए वन में जाके। अगर प्रहलाद महाराज झूठ बोलने तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज का इतना प्रिय कैसे हो गए। तो इसी प्रकार का विचार वो वैष्णव जो वैष्णव संप्रदाय से जो विहित विचार है, जो अप्रतिधान है, उन्होंने जगत में खंडन किया और संप्रदाय के जो विचार उन्होंने जगत में प्रवर्तक किया। तो देखो जो 4 संप्रदाय है, श्री रुद्र ब्रह्म और सनक, तो जो रुद्र संप्रदाय है, तो जो रुद्र संप्रदाय है इनमें बता रहे हैं कि इनमें जो शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं वही केवल मायावाद बता रहे हैं। शंकराचार्य आदि शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं इसलिए उनको मायावाद बताया जा रहा है, शिव जी ही साक्षात भगवान है इस प्रकार का उनका मानना है। लेकिन जो शिव जी को स्वयं भगवान के दास मानते हैं, वैष्णवानंद यथासंभु के रूप में ज्ञान करते हैं, वो लोग मायावाद नहीं है, वो लोग वैष्णव है। इसलिए इसका प्रमाण दे रहे हैं कि जो रुद्र संप्रदाय के जो विष्णु स्वामी है उनके ही संप्रदाय में हमारे भागवत में एक टीका लिखे है, श्रीधर स्वामी उनके ही संप्रदाय के, उनको हम प्रामाणिक रूप में देखा जाता है। श्रीधर स्वामी की जो टीका भागवत जी ने उसको प्रामाणिक रूप में माना जाता है। तो इसी प्रकार का ये मायावाद को खंडन किया और द्वैतवाद को इन्होंने जगत में प्रचार किया और उनके बहुत सारे जीवन चरित्र है। गौर ब्रह्मानंद इसलिए हमारे हरे कृष्णा ज्ञानसुंदरामदस्यज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वथा मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदश श्री 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 मान भक्ति श्री रूप
सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री कृष्णमद भक्तिवेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज श्री मध्वाचार्य जी का आविर्भाव तिरुभाव तिथि कहते इनको पिता माता ने उन्होंने भगवान को आराधना करके इनको जो बच्चे होते थे मर जाते थे तो उन्होंने भगवान को आराधना करके बोले प्रभु जी हमें ऐसे एक बेटा दो जो बेटा अमर हो जो बेटा कभी मरे नहीं ऐसे अमर बच्चे हमें जन्म दो। इसलिए उन्होंने ये मध्वाचार्य जन्म इसलिए अंतिम समय में वो मरे नहीं तो सारे भक्त लोग बैठे हुए थे और बैठे बैठे करके उन्होंने ऐतरेय उपनिषद उपनिषद अलग अलग सुना ऐतरेय तैतरेय ऐसे बहुत सारे उपनिषद वो ऐतरेय उपनिषद उनका शिष्य लोग बैठे हुए थे और शिष्यों के सामने ऐतरेय उपनिषद की कथा सुना रहे थे। जब कथा सुना रहे थे इतने में स्वर्ग से देवता लोग ने पुष्पों की बौछार किया बौछार करते 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 फूल से पूरा ढक गए। जब ढक गए तो शिष्यों ने देखा ये क्या हो गया गुरु जी तो फूल का तब ढक ही गए हैं। इतने में शिष्य लोग आए जब वो फूल को हटाए ना वो हटा करके देखा गुरु जी है ही नहीं वो गुरु जी है ही नहीं। इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था ना हमें एक अमर पुत्र चाहिए इसलिए सचमुच से उन्होंने अमर इसलिए हम हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया बोले चार वैष्णव संप्रदाय। देखो इसको अच्छा तरह सुनो बच्चों ध्यान देकर सुनो मुरारी इधर आ जा हाँ तो इधर इधर उधर घूमते रहते ध्यान देकर सुनो हम लोग अच्छे तरह से सुनो ये अच्छे तरह से विचार कर सुनो। इसलिए ये पद्म पुराण कहते हैं अगर कोई कलयुग में भगवान को पास में जाना चाहते हैं ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हैं भगवान खुद देते कहते हैं जगत में चार में संतों को भेजूंगा चार वैष्णव को भेजूंगा इनको पास में चार ही नाव रहेगा पांच नाव नहीं केवल चार ही नाव रहेगा। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए नाव होता ना उसी तरह ये भवसागर से पार होने के लिए है पार होने के लिए भगवान कहते केवल चार ही व्यक्तियों को पास में ये पार होने के लिए चार नाव रहेगा। ये चार नाव में कोई एक नाव में अगर आप बैठे हुए फिर आप क्या करोगे ये संसार से पार हो सकते हो। अगर ये चार को छोड़ कर अगर पंचवा नाव अगर मैं बैठोगे तो भगवान कहते तुम मेरे पास में नहीं आ सकते मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते भले जो कुछ कर लो है। इसलिए कहते हैं संप्रदाय बिना जे मंत्रास्ते विफला होता ध्यान देखो। इसलिए ये संप्रदाय बोले कौन सा बोले कि श्री संप्रदाय जिसमें माँ लक्ष्मी है जिसमें इसी संप्रदाय में एक आचार्य आए जिनका नाम श्री रामानुज आचार्य है। रामानुज मतलब राम का छोटे भैया कौन लक्ष्मण जी वो श्री लक्ष्मण है। फिर दूसरे संप्रदाय ब्रह्मा जिस संप्रदाय में हम लोग और उसमें आचार्य कौन होंगे एक वह मूल उसी जो संप्रदाय को जगत में किसने प्रवर्तन जगत में आगे किसने ये संप्रदाय को चलाया कहते श्री मध्वाचार्य कहते मध्वाचार्य कौन है बोले ये भीम और हनुमान ये दोनों मिल करके वो एक श्री मध्वाचार्य हुए। बोले तीसरा संप्रदाय बोले कौन सा संप्रदाय बोले रुद्र लसी ठाकुर है परम वैष्णव शंकर जी वहां से एक संप्रदाय चला है जिसमें विष्णु स्वामी आए। चौथा संप्रदाय है कभी ये सनक संप्रदाय कभी जो ब्रह्मा जी का जो सर्वप्रथम सृष्टि में सनक सनातन सनातन और सनत कुमार ये चार भाई हुए इन्होंने एक संप्रदाय को प्रवर्तन किया है जिसमें आचार्य बने जिसने आगे ये धर्म को चलाया श्री निंबादित्य निंबार का आचार्य चलाया। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय इसलिए इसका नाम है संप्रदाय। बोले संप्रदाय मतलब क्या बोले संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक रूप में जो भगवान को प्रदान करे। कोई कहते ना अरे भक्ति करना तो भक्ति करना भगवान की
इस संप्रदाय संप्रदाय का चक्कर में क्यों पड़ते हो? भगवान को पुकारने के लिए इसका चक्कर में क्यों पड़ते हो? करना तो आपने भक्ति करो, ये चक्कर में पड़ क्यों पड़ते हो? नहीं, ये भगवान स्वयं कहते हैं अगर तुम मेरे पास में आना चाहते हो क्या करोगे, ये चारों में कोई एक संप्रदाय को तुम्हें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे पास में आ सकते, नहीं तो मेरे पास में नहीं पहुंच सकते भले जो तुम कुछ पढ़ लो। इसलिए कहते मंत्र हस्ते जो मंत्र वो सबके सब निष्फल हो जाएगा। अभी प्रश्न है बोले क्यों ऐसे का इसका कारण क्या है? ये संप्रदाय स्वीकार करने का क्या कारण है? अपने आप जब भक्ति नहीं कर सकते, ये संप्रदाय का चक्कर में क्यों पड़ने का जरूरत? जैसे हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्माधव गौड़ीय संप्रदाय, बोले ये संप्रदाय कहां से आया? जैसे आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो, गोपाल मंत्र जप करते हो, ये मंत्र आया कहां से? बोले जिस समय ये जगत का सृष्टि से पहले जब भगवान जगत को सृष्टि करना चाहते थे उनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जन्म हुए। जब ब्रह्मा जन्म हुए चार तरफ में पानी ही पानी देखा, बोले भैया मेरी सृष्टि कहां से हुई, हमारा जन्म कहां से हुआ? फिर उन्हें कमल नार में उनने ढूंढे ढूंढ गए हजार साल तो ढूंढ रहे मिलाए, फिर वो ऊपर गए, जो ऊपर गए फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुने, बोले सोलमा और एकोसमा, कौन सा? त और प, मतलब भगवान बोले तो तपस्या कर। जब तपस्या ब्रह्मा जी ने की फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। क्या प्रदान किया? बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदघं च गृहाणं गदितम। ठाकुर जी स्वयं कहते ब्रह्मा जी मैं तुमको विज्ञान को साथ में ज्ञान रूप में प्रदान, मेरी कृपा से तुम ये ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने बंसी ध्वनि से जो गोपाल मंत्र जप कर रहे हो ये बंसी ध्वनि से भगवान कृष्ण किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। पर ब्रह्मा जी इसी मंत्र को जप करके ये जगत को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ए बच्चों ठीक से ध्यान, इसको बाद में पूछूंगा तुम लोगों ने क्या सुना, ये संप्रदाय क्या है, इसका क्या, ठीक है? कौन बोलवाता है? इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने गोपाल मंत्र दिए। फिर ब्रह्मा जी ये गोपाल मंत्र को जप करते करते ये जो विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया, सृष्टि करके फिर ब्रह्मा जी ये मंत्र किसको प्रदान किए? बोले श्री नारद जी को दिए। फिर नारद जी ये मंत्र किसको दिए? बोले श्री व्यासदेव जी को, व्यासदेव को दिए। फिर व्यासदेव किसको दिए? मध्वाचार्य को दिए। ऐसे करते 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 ये सत्ययुग से ठाकुर ने जो मंत्र दिया है वही मंत्र गुरु परंपरा, वो गुरु उसको दिया, वो गुरु उस शिष्य को दिया, वो गुरु उसी शिष्य को दिया है, फिर ये महाप्रभु और उनका गुरु तक इस मंत्र वहां तक आया, फिर उनको गुरु महाप्रभु के पास में आया, फिर महाप्रभु ने किसको दिया? फिर रूप गोस्वामी सनातन इनको दिया, फिर जीव गोस्वामी के पास में आए। फिर ऐसे करते करते शिष्य परंपरा में धीरे 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 ये जो मंत्र तुम्हें मिला है कहाँ से मिला? जो मंत्र ठाकुर जी से मिला, भगवान से मिला था, हैं? भगवान से मिला था। इसलिए अगर आप कोई सही लाइन में खड़े हो गए ना एक दिन का नंबर आ ही जाएगा। अगर तुम बे लाइन में खड़े हो गए, जो लाइन है नहीं, जो सही लाइन में अगर खड़े रहोगे ना, फिर तो जितने भी खड़े रह जाओगे तुम्हारे को नंबर आने वाले नहीं, फिर तो नंबर ही तुम्हारी नहीं आई। इसलिए लाइन हमारी सही होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते ये जो चार संप्रदाय हैं, ये चार संप्रदाय का जो मंत्र ये ठाकुर जी नहीं अपना शिष्य को प्रदान करते हैं, फिर वो शिष्य परंपरा के माध्यम से वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको करते 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 धीरे 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 वो मंत्र यहाँ तक आया है। इसलिए फिर तो इसको द्वारा भगवत प्राप्ति होगा। अगर शिष्य परंपरा है नहीं, भूई पड़ भूई बन गया, अपने आप कहीं से निकल गया, निकल कर अपने आप कहीं एक नाम बना दिया, अपने आप एक संप्रदाय बना दिया है, सो अहम शांति और ब्रह्म कुमारी और अलग अलग हाँ जो तरह तरह का जो ये है उसको पूछ लो तेरे गुरु जी कौन है, आज माधव महाराज जी बता देंगे तुम्हारे गुरु जी कौन, तेरा कुछ 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 बीच में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, एक दो होगा कोई इसने बोल दिया इसने बोल दिया, उसका कुछ नहीं, वो अपने आप कहीं से निकल गए। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा भैया तुम्हारे गुरु जी कौन, बोले ये हमारे गुरु जी, उनको पूछेगा गुरु
बोले उनका गुरुजी है, बोले उनका गुरुजी, बोले उनका गुरुजी है, बोले उनका गुरुजी। देखोगे आप धीरे लाइन करते करते देखोगे वो सीधा भगवान कृष्ण के पास गया। ये भगवान ने ये ज्ञान प्रदान की और ये गुरु परंपरा माध्यम से ज्ञान यहाँ तक पहुंचे। अगर प्रॉपर लाइन में आओगे ना एक दिन नंबर लग ही जाएगी तुम्हारी, एक दिन ठाकुर तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए हमें जो भक्ति है शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में, इसलिए इसका नाम है क्या है संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या, संगत के रूप में प्र मतलब प्रदान करना, ठीक ठीक रूप में हमें जो दान का मतलब होता है दान, मतलब सम्यक रूप में ठीक ठीक में हमें जो भगवान को दे दे, हमें जो ठीक ठीक रूप में ठाकुर जी को दे दे, इसलिए इसका नाम है संप्रदाय है। इसलिए हमारे जो संप्रदाय श्री मध्वाचार्य संप्रदाय ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, हम रोज रोज यहाँ भजन गाते हैं ना, कृष्णा चतुर्मुख हाय कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा ते नारद रमाती नारद हरि ते दास मध्व कहे दास दास उन प्रज्ञा पतनाभ चैतन्य महाप्रभु, तो इन्होंने ये संप्रदाय क्यों स्वीकार किया, और तो तीनों था लेकिन महाप्रभु इसको क्यों स्वीकार किया, बोले कारण है महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, एक दिन में एक बार आते हैं, बोले क्या देने के लिए, कहते वो ब्रज प्रेम को ब्रज भक्ति को देने के लिए आते हैं, जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जन के लिए पाने के लिए तरसते। उन्होंने देखा भैया ये भाव किस कौन सा संप्रदाय है, लेकिन देखा उन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा उनका जो स्थापित विग्रह है वो गोपाल जी, जैसे मैया दधि मंथन करती है ना उसमें रज्जू और उसमें एक डंडा होता है, उनका हाथ में ये रज्जू और डंडा उनका हाथ में देखा, इसका मतलब होता है हैं ये ब्रज की भावना है, ये ब्रज की गोपाल है, उसमें देखा ब्रज भाव, और उसमें क्या देखा, देखा उसमें आठ सन्यासी है जो गोपी भाव से वो भजन करते हैं, गोपी भाव से भजन करते हैं, और हमारा जो मूल सिद्धांत है हम नाय प्रातत्व हरि विहम, मतलब गुरु परंपरा होनी चाहिए हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि जो आप जो दस मूल तत्व मध्वाचार्य भी दस मूल तत्व को बोले, उनने वो संप्रदाय में क्या देखा, उस संप्रदाय में ब्रज भाव उस संप्रदाय में, इसलिए महाप्रभु ने ये संप्रदाय को स्वीकार किया, इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम ब्रह्माध्व गौड़ीय संप्रदाय। समझ में आ गया, आ गया समझ में। इसलिए इनकी आप लोग ने सुन रहे थे ना, इनका अद्भुत अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र, इतने किसका अवतार है हनुमान जी और श्री भीम, ये दोनों मिलकर के हनुमान जी कितना बलवान थे और भीम से भी वैसे है, ये पवन कुमार है बड़ा बलवान है, एक समय कोई बहुत बड़ा पहलवान था, बड़ा पहलवान भी घाटता था, कोई आओ तो मेरे हाथ में दो हाथ कर लो, कोई आओ तो मेरे साथ में दो, सबसे डी घाट जहाँ एक सर ना सभा सर कहीं मिल जाता है। आई मध्वाचार्य जी को पास में पहुंचे, जब पहुंचे वो बोल रहे तो भैया कोई हो तो मेरे साथ में दो हाथ कर लो, इतने में मध्वाचार्य जी ने कहा दो हाथ कर लो, एक काम करो तुम मेरे प्यारे का एक अंगूठा उठा करके दिखा दे, हाथ में लड़ाई करोगे, मेरा प्यार में एक अंगूठा उठा कर दिखा दे, तो इतना बड़ा पहलवान था मध्वाचार्य का प्यार का एक अंगूठा को भी हिला नहीं पाए, और वहीं पर गिर पड़ा, वहीं पर उसने गिर पड़ा, इतने बलवान, और उनने एक साथ में 100 घड़े दूध उन्होंने
आप कितना पी सकते हो, कितना कड़ा दूध पी सकते हो? ज्यादा दो तीन चार राउंड तो चार पाँच प्लस पाँच तक पाँच तक तीन है। लेकिन उन्होंने 100 घड़ी दूध और कितने केले उन्होंने एक साथ में खा लिए। बोले क्यों? हनुमान जी ना भीमसेन है, भीमसेन सबके समूह ने घोट ली। इसलिए कहीं जा रहे थे शिष्यों के साथ में, इतने में एक बार पहले जंगल ही जंगल था, एक बार बाघ ने किसी शिष्य के ऊपर आक्रमण किया, ये एक थप्पड़ मारे ना, एक थप्पड़ से बाघ प्राण चला गया है, एक थप्पड़ से बाघ को उन्होंने मार डाली। इसलिए इनके अंदर में अथाह पराक्रम था, अथाह पराक्रम था कि जब जा रहे थे इतने में एक एक बिजनेस में पहले नाव में लेकर सब चीज चलते ना एक देश में दूसरे देश में, नाव में सारी चीजें ले रहे थे और नाव में चलते चलते हठात किया हुआ नाव रेती में फंस गया, फंस गया तो नाव नहीं चल, वो जो बड़ी था बड़ा दुखी होकर बैठा हुआ, क्या होगा। इतने में देखा कि संत बैठा हुआ मधुआ चाहते लगे चौड़े बैठे इतना जो नाकरे लकड़ी सो करे फके हैं। इसलिए देखा संत है, अरे बाबा मेरे नाव लग गया रेती की चरा, थोड़ा आशीर्वाद कर दो। बोले चिंता मत कर, उन्होंने तो बोले ऐसे हिला, ऐसे हाथ को दिखाया तो बोले ऐसे हाथ हिलाया ना वो हिला दे अपने आप नाव चलना शुरू हो गई, नाव चलना शुरू हो गया। वो इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, बोले बाबा आपकी कृपा से मेरे नाव आपको जो इच्छा आप सो ले सकते, बताओ इससे आप क्या लेना चाहते हो। लेकिन इतने में देखा एक तिलक था और बड़ा ढेला तिलक, वो तिलक हम जो तिलक लगाते ना गोपी चंद्र ने, बोले हमें इसको दे दो। तो इतना भोजन कितना क्विंटल था और उन्होंने उसको उठा करके अपना कंधे पर ले गए, कंधे कर उठा कर जब थोड़ी दूर गए ना वो तिलक दो टुकड़े हो गए। जो दो टुकड़े हो गए उसका अंदर से सुंदर एक कृष्ण मूर्ति जो दधि मंथन और उसका जो रज्जु पकड़े हुए सुंदर एक कृष्ण मूर्ति निकले। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़े सुंदर कृष्ण मूर्ति वही उनकी जो विग्रह है उन्होंने वहां पर। अभी अगर जाओ गुरुकुल में दर्शन करोगे, अभी जो बता रहे थे ना उनने एक डंडा सूखा डंडा को उन्होंने गाड़ दिया तो विराट वटवृक्ष हो गया सूखे डंडे से हैं, क्योंकि वो साधारण तो है नहीं। अभी भी वो पेड़ है विशाल वटवृक्ष पेड़ बरगद का पेड़, अभी भी वो वृक्ष वहां पर विद्यमान। ऐसे ही इनकी अद्भुत जीवन चरित्र है मध्वाचार्य देखोगे ऐसे दो मतलब जीव और भगवान हर समय अलग अलग, अलग। हम कौन है? हम ठाकुर के संतान है और भगवान हमारे प्रभु हम उनकी सेवक है। इसलिए हर समय दो कभी है शुद्धा द्वैत है ये सब अलग 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 उसमें थोड़ी थोड़ी विस्तृत है। हम भगवान से अभिन्न नहीं लेकिन ये सीधा कहते नहीं, जीव हर समय जीव ही रहेगा और भगवान हर समय भगवान ही रहेंगे। हम हर समय ठाकुर का ही नित्य सेवक है। इसलिए आज इनकी त्रिभाव तिथि ऐतरेय उपनिषद पाठ करते 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 इनके ऊपर पुष्प की बौछार हुई और उसके अंदर में ही अपना अंतिम लीला मतलब ठाकुर जी के पास में वो भीम हनुमान है ना वो ठाकुर जी के पास में चले गए। इसलिए वो हम सबको आशीर्वाद करे कृपा करे जैसे हम भक्ति लाइन में चल सके। ठीक है अभी मैं प्रश्न करता हूँ, सुना इसको बंद रखो, मैं प्रश्न करता हूँ ये बताओ।